आशीष आपको बता दें कि राहुल गांधी बॉर्डर पार कर चुके हैं, यहाँ पंजाब से वो निकल चुके हैं, हरियाणा में एंटर हो गए हैं। हालांकि जद्दोजहद जो है वो जरूर करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार वो हरियाणा में एंटर हो गए हैं। सीनियर लीडर्स यहाँ पर उनके साथ नजर आए थे, सुनील जाखड़ और हरीश रावत फिलहाल उधर गए हैं उनके साथ, क्योंकि आपको बता दें कि वहां पर भी बॉर्डर के उस पार भी जो है कांग्रेस के लीडर्स, हरियाणा के जो लीडर्स हैं वो इंतजार कर रहे थे। यहां पर जरूर जो बैरिकेड्स हैं वो नीचे फेंक दिए गए थे। पंजाब यूथ कांग्रेस ने जो है मोर्चा संभाला हुआ था, इसके साथ ही चाहे कैबिनेट मिनिस्टर विजेंद्र सिंगला हो, विजेंद्र सिंगला आ भी गए, उनसे जान भी लेते हैं आखिर कितनी जद्दोजहद जो है करनी पड़ी बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। आपको मालूम है कि अल्टीमेटली हरियाणा सरकार ने 3 ट्रैक्टर्स के लिए परमिशन दिया है, और वो 3 ट्रैक्टर्स के ऊपर हमने हरियाणा के लोगों को बिठाकर अपने पंजाब के ट्रैक्टर्स को हमने उधर अलाउ कराया, एंटर कराना। और आपको पता ही है कि किस प्रकार से जद्दोजहद हुई है, और उसके बाद ही मोदी जी की खट्टर सरकार ने राहुल जी को जो आवाम की आवाज है, जो आवाम का मुद्दा है, जो किसान, छोटा गरीब मजदूर, छोटा दुकानदार के साथ जुड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे के संघर्ष को उधर लेके जाने के लिए इतना बड़ा संघर्ष। विजेंद्र जी, 100 जाने की परमिशन मिली थी तो लगता है कि 100 तो ज्यादा हो गए थे, इसी कारण ये सारी जद्दोजहद देखने को मिली। ते परमिशन उरे केड़ा कोई हरियाणा कुछ करन जा रहे थे, वी आर जस्ट गोइंग टू हरियाणा टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स और द सेंटीमेंट्स ऑफ द पीपल हु आर यू नो गेटिंग डिस्टॉर्टेड बिकॉज ऑफ दीज 3 कानून। तीन दिन की रैलियां कितना कामयाब मान रहे? राहुल जी हरियाणा चले गए, आप टेक ऑफ कर सकते हो। ओके ओके ओके। 3 दिन की रैलियां कितना कामयाब मान रहे हो? तुसी दसो, तुसी 3 दिन नाल रहे हो ते सारे पंजाब दा कला घर दा रहण वाला जी, क्योंकि इस खेती दे नाल साडे पंजाब दी ते देश दी इकॉनमी खड़ी है, ते जे उरे आर्थिक कमजोरी आ जाती है तो सब दा ही लक टुट जाना है। तो इस करके मैं समझदा कि हर व्यक्ति ने इस राहुल जी दे इस दर्द वेले समय ते आके उन्हां दी गल सुनी है, उन्होंने अपना उन्हां दा दर्द समझे, और ताकि ये सारी यात्रा हुण हरियाणा च चलूगी और उस तो बाद यूपी जाऊगी, ताकि पता लग सके कि सारे हिंदुस्तान दे विच 3 काले कानूनों का किड्डा वड्डा दर्द है। सिंगला जी, सारे हुण किसान ये सवाल पूछ रहे हैं कि विधानसभा सैशन कदों बुलाओगे, मता कदों पास करोगे? मैं समझना कि कल कैबिनेट की या परसों मीटिंग हो जानी है, तो इन दी मीन टाइम लीगल एक्सपर्ट्स ने अपनी राय देती होनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी 3 दिन तो राहुल जी के नाल सिगे, तो मैं लगता कि कल तक कोई ना कोई ऊपर फैसला हो जाएगा। अच्छा सिंगला जी, पहला पार्टी के नाराजगियां नजर आ रही थी, पर पहले दिन सानू नवजोत सिद्धू नजर आए थे, अज प्रताप बाजवा, थोड़ा लगता है कि एक मौका भी हो गया कि जो नाराज लीडर्स ने वो भी मानते हुए नजर आए? नहीं सर, कोई नाराज सिगा ही नहीं, सारे नाल सी पार्टी के। किसी मैं पहला भी थोड़ा कल कहा कि किसी की कदे कोई व्यस्तता हो जाती है, किसी की कोई रुझेवा हो जाता है, कदे कोई पार्टी च कदे कोई शामिल होके अपनी पार्टिसिपेट कर रहा है, कदे कोई कर संदेश गया केंद्र नु जो पहुंचाना चाहिया सीगा, केंद्र सरकार जरूर सुती पई उठी होनी है। देखो गल है कि जे तुसी ये फील कर दो कि थोड़े टीवी चैनलों के उपर ए खबर चलूगी ते फिर भी संदेश नहीं जाऊगा, तो मैं समझदा कि फिर कितना कितना कमजोर है। यूथ वालों कड़ी गई सी, रोक लिया गया सी, लेकिन अज जदों राहुल गांधी आए ने ते पार्टी दे लीडर आए ने, ते उस तो बाद हरियाणा में कुछ कूच किए ने, ते ए संदेश तां पहुंचा होना अज। बिल्कुल, ए तां सारे देश नूं पता, जिदन दे काले कानून पार्लियामेंट च आए उदन तां सारे देश दे विच अनरेस्ट है यार, सारा किसान गरीब मजदूर सड़कां ते घूम रहा उस दिन दा, किसे बंदे नूं अपने घरे रोटी खाणी।